कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आप मतलब शशांक। तो गाइस, आज हम लोग 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मेंबर साहब हैं हमारे मोहल्ले के, तो उनके साथ आज हम पूरे मोहल्ले में तिरंगे बांटने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी साथ में हम जोड़ें, तो आज का कुछ यही सीन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस बारे में बताया जाए कि जो ये मोदी जी ने जो ये नियम लागू किया है इस टाइम पे 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हम लोगों को सबको अपने घर में तिरंगे बांटने हैं और घर में लगाने हैं, ठीक है। तो गाइस, हम लोग इस टाइम जब हम लोग तिरंगा लगाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हर व्यक्ति को अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए। तो हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं जा रहा हूँ, और अभी हमारे मेंबर साहब ने बोला है कि आप थोड़ी देर में आ जाना, तो उनके साथ ही हम मोहल्ले में तिरंगे बांटने जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं तिरंगे बांटने लिए। देखिए, और मेरे पीछे देखिए, और ये हमारे अंकल हैं मेंबर साहब तिरंगे बांटते हुए। देखिए, सबको तिरंगे देते हुए। और हम आज पूरे ये अंकल कौन सा मोहल्ला है? हाँ, हम आज मोहल्ला इनायतगंज में तिरंगे बांट रहे हैं। और ये देखिए, हर जगह तिरंगे बांटते हुए, जैसे कि मोदी जी ने भी चलाया है ये अभियान हर घर तिरंगा बांटने का, तो वही आज हमारे माननीय मेंबर साहब जी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। गाइस, इस टाइम पे हर जगह तिरंगा लगा होना चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए हम हिंदुस्तान से हैं। ये देखिए, तो आइए अब चलते हैं। ये गाइस, मेंबर साहब आगे चल रहे हैं तिरंगा लेके। तो जितनी भी दुकानें हैं सब में तिरंगा लगा होना चाहिए, क्योंकि जब तक तिरंगा लगा नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा लोगों को कि हम 15 अगस्त मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं। तो ये लोगों को पता चलना चाहिए, हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको, उनके लिए ये बात पता चलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान से हैं। तभी तो इस बार जैसे कि 15 अगस्त मनाया जाना जा रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए, चलिए। तो हम लोग हर दुकान में हर घर में तिरंगा बांट रहे हैं, जैसे कि हमारे मेंबर साहब बताते हुए कि तिरंगा को किस तरह से लगाना है। ये तिरंगा हमें कम से कम दो तीन दिन तो ये जो मोदी जी ने लागू किया है, वैसे तो उन्होंने 2 दिन के लिए बोला है, पर हमें तो जो ये हमेशा लगाए रहना चाहिए, जिससे कि पता चलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए तिरंगा देते हुए, और हर दुकान पे आज तिरंगा लगाया जाएगा। हर दुकान पे तिरंगा लगा होना चाहिए। ये देखिए आप, और तिरंगा को प्लीज़ कभी भी लगाएं, सीधा लगाएं, उसको झुकने नहीं देना है हमें। तो वैसे आज तो अंकल आप कुछ बोलिए। बस मैं सभा सुनू वार्ड नंबर 25 का, और मैं घर घर झंडे जो हैं बांट रहे हैं, और इसको मैं लोगों को ये भी बताता जा रहा हूँ कि झंडे को सीधा लगाना है, कटा पिटा नहीं लगाना है, टेढ़ा नहीं लगाना है, 13, 14, 15 तीनों दिन झंडे फहराने हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने सुना मेंबर साहब से हमारे, जैसे कि बिल्कुल झंडे को सीधा लगाना है, और हर दुकान पे तिरंगा लगा होना चाहिए। इसको लगाइए, 13, 14, 15 लगाइए तीनों दिन, ठीक है, लगाइए।
अरे आगे नहीं रहे यार, पहले आओगे हमारे। हर घर, हर दुकान पे, हर घर में तिरंगा लगा होना चाहिए। 13, 14, 15 और सीधा रखना भैया इसको एकदम। नहीं ऐसे लगा लेंगे यार, तो ना टेढ़ा नहीं, टेढ़ा नहीं भैया, सीधा लगाना है इसको। जो भी आप लगाएं तो ऊपर छत पे लगाएंगे, ऐसे ऊपर लगाइए, बिल्कुल सीधा लगा होना चाहिए। रुका हुआ झंडा जो है वो सीधा लगाइए। ये वैसे मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो नियम लागू किया है काफ़ी अच्छा नियम है ये, तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं इस टाइम मार्केट के एरिया में हूँ। हम लोग हर शॉप पे तिरंगे बांट रहे हैं, ये देखिए आप। तो गाइस हमको हर जगह तिरंगा लगाना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले। ये देखिए नीचे आप, हम लोग इस टाइम आ गए हैं मार्केट के एरिया में। इस टाइम सबको झंडा मिलना चाहिए, पर देखो हमें भी समर्थन में कर लो कम से कम। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे मोहल्ले की तरफ, आज हम सब जगह पे तिरंगे बांटेंगे। और हम अब आ गए हैं मोहल्ला इनायतगंज में, आज तो हम लोग हर जगह तिरंगे बांटेंगे। लॉक है, लॉक है, एनीथिंग। तो गाइस हम लोग सब जगह, जब हर जगह जा रहे हैं तो हर जगह हमारा यही कहना है। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग का बस यही कहना है कि तिरंगा अपना लगाएं। हम सबको यही बता रहे हैं कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाना कंपलसरी है और हर किसी को लगाना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि दो दिन ही नहीं, हमें लगाए ही रहना चाहिए अपने घर पे तिरंगा। और धूप इतनी हो रही है तभी भी हम लोग तिरंगे बांट रहे हैं घर पे। तो जो मोदी जी ने नियम लागू किया था हर घर तिरंगे का, वो हमारे मेंबर साहब उसको फॉलो करते हुए देखिए। तो गाइस हर घर तिरंगा का नियम हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना धूप में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कि मोदी जी ने जो नियम चालू किया है उसको हम बरकरार रख सकें। हर घर में तिरंगा बांटना हमारा कर्तव्य है, और जैसे कि मुझे ये सौभाग्य मिला जो कि मेंबर साहब के साथ मुझे तिरंगे बांटने का। ये देखिए गाइस हमारा तिरंगा लहराते हुए लोगों ने अपने घरों की छत पे लगा लिया है, और मैं दिखाता हूँ आपको एक दो छत, ये देखिए उधर सारे लोगों ने तिरंगे लगा रखे हैं। ये देखिए आप सबके घर पे तिरंगे लहरा रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि देखा, मैंने माननीय मेंबर साहब के साथ मिलकर जो है हमारे पूरे मोहल्ले में तिरंगे बांटे, तो आज मैंने भी अपने घर पर तिरंगा लगा दिया। ये देखिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए, तो मैंने भी अपने घर पर लगा दिया है तिरंगा। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने घर पर तिरंगा लगाइए, और जो मोदी जी ने अभियान चालू किया है हर घर तिरंगे का, उसको फॉलो करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि हर कोई अपने घर में तिरंगा लगाए और मोदी जी के इस नियम को पालन करे, उस नियम का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हर घर में तिरंगा लगाएं और 15 अगस्त को मनाएं। और आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।